नमस्कार दोस्तों एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में हम फ्रीक्वेंसी मोडूलेटेड सिग्नल्स की कुछ फर्दर डेरीवेशनस हैं जिनको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं मान लीजिए एम ओफ टी हमारा मोडूलेटिंग सिग्नल है और इस सिग्नल को हमने प्रेजेंट किया है एम कोस ओमेगा एम इन टू टी एम इस सिग्नल का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ओमेगा एम इसी सिग्नल का मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो पिछले वीडियो में जब आपने देखा तो फ्रीक्वेंसी मोडुलेटेड सिग्नल की इक्वेशंस को डिराइव कर चुके थे और वो इक्वेशंस थी दैट इज ए सी कोस ओमेगा सी इंटू टी प्लस टू पाई इंटू के एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी और जो इंटीग्रेशन हैं और बाद में आपकी ब्रैकेट क्लोज़ हो जाती है के एफ़ अगर आपका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अगर इसकी यूनिट हर्ट्स पर वोल्ट दे रखी है तो आप यहाँ टू पाई मल्टीप्लाई करें अगर के एफ़ की यूनिट आपकी रेडियन पर वोल्ट दे रखी है तो टू पाई आप यूज़ नहीं करेंगे सिर्फ़ यहाँ पे के एफ़ लिखेंगे अब इसके बाद एम ऑफ टी जो सिग्नल दे रखा है वो सिग्नल यहाँ पुट कर दीजिए दिस इज़ इक्वल टू ए सी कोस ओमेगा सी इंटू टी प्लस टू पाई के एफ ये यूज़ करोगे तो ए एम तो कॉन्स्टेंट है ये इसी के साथ बाहर आ गया राइट और इसके साथ जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा अंदर कोस ओमेगा एम इंटू टी डी टी ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो गई राइट तो अब आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है हमें पता है कोस ऑफ थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है ठीक है तो यहाँ पे अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी दिस इज इक्वल टू ए सी कोस ओमेगा सी इंटू टी प्लस टू पाई के एफ इंटू ए एम टी के साथ ओमेगा एम है तो ये डिवीज़न में भी लिखा जाता है दिस इज ओमेगा एम कोस ऑफ ओमेगा एम इंटू टी है तो ये आपका इंटीग्रेशन के बाद बन जाएगा साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी एंड ब्रैकेट क्लोज अब यहाँ पे आप देखिए ओमेगा एम को लिखेंगे टू पाई इंटू एफ एम टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा नीचे सिर्फ एफ एम बचेगा तो ये हो जाएगा आपका एस ऑफ़ टी दिस इज इक्वल टू ए सी कोस ओमेगा सी इंटू टी प्लस के एफ इंटू ए एम डिवाइडेड बाई एफ एम टू साइन ऑफ ओमेगा एम टू टी ये आपका बन गया राइट अब ये जो टर्म है साइन ओमेगा एम टू टी के साथ जो टर्म है इस टर्म को बोलते हैं बच्चों मोडुलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मोडुलेटेड सिग्नल तो इसको हम प्रेजेंट करेंगे एस ऑफ टी दिस इज इक्वल टू ए सी कोस ओमेगा सी इंटू टी प्लस यहाँ मैं इसको बीटा लिखूँगा बीटा इंटू साइन ओमेगा ओमेगा एम इंटू टी राइट ये क्लोज है वेयर वट इज़ बीटा बीटा यहाँ पे है बीटा इज इक्वल टू के एफ इंटू ए एम डिवाइडेड बाई एफ एम और ये बीटा क्या है दिस इज दी मोडुलेशन इंडेक्स मोडूलेशन इंडेक्स ओके अब इसके बाद हमें पता है कि जो भी मोडोलेशन इंडेक्स है एंगल मोडोलेशन का चाहे फेज़ मॉडुलेशन हो चाहे फ्रीक्वेंसी मोडोलेशन हो तो वो हमेशा इस रेशो को सेटिस्फाई करेगा दिस बीटा हैज़ टू बी इक्वल टू डेल्टा एफ़ अपॉन एफ एम यानी डेल्टा एफ़ फ्रीक्वेंसी डेविएशन है एफ़ एम आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो दिस वुड बी इक्वल टू वट यहाँ से जो बीटा आया है के एफ़ ए एम डिवाइडेड बाई एफ एम यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो साफ साफ दिखेगा जो डेल्टा एफ़ है वो हो जाएगा आपका के एफ़ इन टू एम और ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है और ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है डेल्टा एफ़ क्या है फ्रीक्वेंसी डेविएशन और वो होगा आपका के एफ़ इंटू ए एम और ये तो नाम से ही क्लियर है फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड कि जो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन है दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ बेसमेंट सिग्नल और प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट लगाऊंगा तो वहाँ पे के ऑफ एफ़ लिखाना लगाना पड़ेगा तो यहाँ से डेफिनेशन भी आपकी जस्टिफाई हो जाती है अब हम क्या बात करेंगे अब हम एक बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो आप निकाल चुके हो इसी के साथ आप अब फेज डेविएशन निकाल के देखो फेज डेविएशन ठीक है तो फेज डेविएशन कैसे होगा एक तो होगा आपका जो फाई है मोडुलेटेड सिग्नल का मोडुलेटेड सिग्नल का क्या फेज है और अनमोडूलेटेड सिग्नल का क्या फेज़ है उन दोनों का डिफरेंस ही फेज डेविएशन होगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट वो क्या होगा देखो यहाँ पे इन जनरल जो हमारा रहता है वो क्या होगा एस ओफ्टी ए सी कोस ऑफ ओमेगा सी टी प्लस थीटा यानी मोडूलेटेड सिग्नल ये है ओमेगा सी इन टी ये तो आपका क्या था अनमोडुलेटेड करियर वेव सिग्नल थी लेकिन इसके साथ अगर ये वैल्यू जो चीज़ ऐड हुई है ये क्या है यही तो आपका क्या है मोडुलेटेड सिग्नल का फेज़ है राइट right? तो इसका मतलब मोडुलेटेड सिग्नल का फेज है आपका टू पाई इंटू के एफ राइट और इसके साथ इंटीग्रेशन करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद ये वैल्यू आ चुकी है तो इसको हम लिखेंगे टू पाई के एफ ए एम डिवाइडेड बाई ओमेगा एम राइट और इंटू वट साइन ऑफ ओमेगा एम इंटू टी और अनमोडुलेटेड जो करियर वेव था उसका कोई फेज नहीं था यानी उसका जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो जीरो था तो ये हमने जीरो लिख दिया अब इसके बाद हम इसको करेंगे डेल ऑफ फाइव दिस वुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है तो डेल ऑफ फाई आपका यहाँ से आ चुका है टू पाई के एफ़ ए एम डिवाइडेड बाई टू पाई इंटू एफ एम टू पाई से टू पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आप साइन ओमेगा एम इंटू टी भी लिख सकते हैं ये वैल्यू कैंसिल होगी लेकिन आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम फेज डेविएशन कितना होगा तो वो होगा थीटा ऑफ डेल ऑफ थीटा मैक्स थीटा मैक्स क्या होगा साइन ओमेगा एम इन टू टी की मैक्सिमम वैल्यू वन होती है तो बाकी बचा वो आपका मैक्स वैल्यू ही है दिस इज के एफ ए एम डिवाइडेड बाय एफ एम राइट ये वैल्यू बची और इसको हमने यहाँ पे क्या कहा है मॉडुलेशन इंडेक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल सो दिस इज इक्वल टू वॉट बीटा यहाँ से ये पता लगा कि जो आपका मैक्सिमम फेज डेविएशन है दिस इज नथिंग बट modulation इंडेक्स ठीक है ये आपका मोडूलेशन इंडेक्स ऑफ एफ़एम ही होगा और यही चीज़ आपके लिए बता दूँ कि ये तो एफ एम के लिए निकाला आपने अगर आप मैक्सिमम फेज डेविएशन इन फेज मोडुलेटेड सिग्नल का निकालेंगे तो वहाँ पे भी क्या होगा अगर आप फेज मोडूलेटेड सिग्नल का मैक्सिमम फेज डेविएशन निकालेंगे तो वो आपका वही होगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पीएम स्कीम मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ पीएम ये एफएम का था और ये आपका पीएम का था तो यहाँ पे मैं नोट बना के लिख देता हूँ ठीक है अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम फेज़ डेविएशन दोनों स्कीम्स में कितना होगा तो एफएम की जो स्कीम है उसमें वो कितना होगा मोडूलेशन इंडेक्स के बराबर और वो कितना होता है के एफ ए एम डिवाइड बाई एफ एम और अगर वो फेज़ मोडूलेटेड सिग्नल का पूछ लिया जाए मैक्सिमम फेज़ डेविएशन तो वो कितना होगा दिस वुड बी इक्वल टू के पी इन टू एम क्यों क्योंकि फेज़ मोडूलेटेड सिग्नल का मोडोलेशन इंडेक्स यही होता है और जो मोडूलेशन इंडेक्स होगा वही आपका मैक्सिमम फेज़ डेविएशन होगा चाहे वो एफ की बात हो चाहे वो पी की बात हो तो बच्चों इस वीडियो में फेज मोडूलेटेड सिग्नल्स की एक इम्पॉर्टेंट डेरीवेशन आपके सामने रखी है आने वाले वीडियोस में इन्हीं के बेसिस पे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे दिस इज़ द एंड ऑफ़ द वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो